हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोग देख चुके होंगे, आपको ये आइडिया भी हो गया होगा कि कौन क्या बनने वाला है। लगभग जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि रामलीला में स्वयं महाराज जो है वो बनेंगे श्री राम, और जो है रामा वो बनेंगे हनुमान। बाकी कैरेक्टर्स का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, और जो भी होगा काफ़ी अच्छा होगा। रामलीला बहुत ही रंगारंग और मतलब ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। लेकिन इस रामलीला में सभी लोग काफ़ी खुश होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो बेहद चिंतित होगा, हर चीज़ को लेकर हर चीज़ को संदेह से देखेगा, हर चीज़ पर अपनी तेज़ नज़र रखेगा, वो होगा रामा। क्योंकि उसको आइडिया है कहीं ना कहीं ये कि राजा की जान को खतरा है। अब वो खतरा किससे है ये भी उसे पता लगाना है, क्यों है, कब, कैसे, क्या होगा ये भी उसको पता लगाना है। तो वो बाकी सभी लोग जो है काफ़ी आनंद उठा रहे होंगे रामलीला का, लेकिन मुख्य बात यहाँ पे ये रहेगी कि रामा किस तरह से हैंडल करेगा इस सिचुएशन को। और जो मुझे लगता है कि राजा का जो भाई है, जो भी उनका नाम है, और जो वो बंदा आया हुआ है बंगाल से हथियारों वाला, उन दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और उनका कनेक्शन ये कहीं ना कहीं राजा की जो हमला होने वाला है, जो षड्यंत्र रचने वाले हैं राजा के खिलाफ, जो जो भी कोई है वो, इन दोनों का कनेक्शन मुझे लग रहा है। और मुझे पक्का यकीन है कि इस बंदे का हाथ जरूर मिलेगा राजा के भाई का इस षड्यंत्र में। तो भाई लोग, बात ऐसी है कि वैसे काफ़ी कुछ आपका मनोरंजन होगा, देखने को मिलेगा जैसा आपको हमेशा से मिलता आ रहा है। रामा अपनी जो है बुद्धि से ये पता लगा लेगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन वो भी लंबा चलेगा एपिसोड, काफ़ी लंबा चलेगा। फिलहाल रामलीला वाला सीन चलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा रामलीला में। और जो कल का इन्होंने प्रोमो दिखाया है हथियारों की टेस्टिंग वाला, तो उसके सामने खड़े होंगे जो महाराजा, तो उनका कुछ नहीं होगा, वो ऐसे टेस्टिंग होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रामा उनको वहाँ से हटा लेगा या उनको बचा लेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस की अपडेट्स, एपिसोड्स की अपडेट्स और ट्विस्ट आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।